रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बुजुर्ग आए थे, वो कह रहे थे कि मेरी माँ जिंदा है। देखो, वो जो भी कोई हो, उन्होंने तुम्हारे साथ झूठ कहा है। हम चाहते हैं कि पद्मिनी को उसके जन्मदिन पर तोहफे के रूप में ये माँ दें। जी, कम से कम इसे पाकर उसे इस बात का एहसास होगा कि उसकी माँ जिंदा है। राजकुमारी अंबिका शिवानी है। आखिर मेरे बहन का ही तो घर है। हाँ, उस बहन का जो घर और घर वालों को छोड़कर गई है। एक बेटा अपने बाप को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा सकता, इतना तो समझ सकते ना आप। पद्मिनी ने कहा है तो मैं जाके वकील से मिल जरूर लूंगा, लेकिन एक बात साफ है, जब तक पद्मिनी अपने कदम पीछे नहीं हटाएगी वो लोग आगे बढ़ते ही आएंगे। जी नहीं, वो अलीपुर गए हुए। जी वकील साहब है। जी मैंने कहा वकील साहब है, मेरा नाम रोहन वर्मा है, मैं किसी काम से आया था उनके पास। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ गले में? मेरा गला खराब है, मैं बोल नहीं सकती। वकील साहब काम से अलीपुर गए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उनसे कहिएगा रोहन वर्मा मिलने आया था, मैं फिर आ जाऊंगा। चलता हूँ, शुक्रिया। May I come in? Rahul, what a pleasant surprise! यार तुमने फोन किया होता, मैं तुम्हें ऑफिस के बाहर तक लेने आता। बैठो। शर्मिंदा मत कीजिए, मैं अब भी वैसा ही हूं जैसा कि तब था। तब की बात मत करो राहुल, आज की बात करो, अब की। क्या लोगे? चाय, कॉफी, ठंडा?
बियर विस्की? तकल्लुफ की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ कैसे आना हुआ, कोई खास बात या? वर्मा साहब, जब से हमारे बीच की ये दीवार टूटी है तो मिलने के लिए दिल मचलता रहता है। ठीक कहा तुमने, कहा बिल्कुल ठीक कहा। जैसे तब हम एक दूसरे की शक्लें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, एक दूसरे से मिलने के लिए कतराते थे, वैसे ही अब नजदीक होने के लिए मन मचलता रहता है। सच बताऊंगा तुम्हें, यहां देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता। जी हाँ, बस समझ लीजिए जैसे कि खुशियों का एक तूफान सा आ गया है। सुनीता और मैं तो अक्सर इसके बारे में बात करते रहते हैं। शीतल होती तो शायद हम भी बातें करते। आपको एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि शीतल के नहीं होने का एहसास शायद आपसे भी ज्यादा सुनीता को है। कल पता क्या हुआ, सुनीता ने अपने हाथ से खाना पकाया, टिफिन में पैक किया और मुझसे कहने की चलो। हाँ वही तो, मैंने उससे पूछा तो कहती है वर्मा साहब के चलते, उनके साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, इकट्ठे खाना खाएंगे। ग्रेट, फिर तुम आए क्यों नहीं? हम आए थे लेकिन कल आप रात को यहां थे ही नहीं। कल? जी हाँ, कल हम आपके घर आए थे लेकिन दाई माँ ने कहा कि आपका फोन आया, आप देर से लौटने वाले। हाँ, मुझे किसी मीटिंग पे जाना था। नो प्रॉब्लम। आज दोपहर का क्या प्रोग्राम है? कोई खास नहीं। ठीक है तो मैं चलता हूँ, अगर हो सके तो प्रोग्राम बनाते हैं, मैं आपको फोन कर देता हूँ। ओके बाय। कौशल्या ने ये क्यों किया? Why? बड़ी खूबसूरत चिड़िया, कौन है? सुलभा को और बंसी को भूल जाओ, सबसे पहला नंबर इसका, इसको लुढ़काना है। इतनी खूबसूरत औरत को क्यों मारते हो? तुम्हें पैसे मिल गए, काम हो जाना चाहिए। ठीक है, भाव साहब को कह देना कि मैं इसे पेरिस ले जाता हूं, उनका काम भी हो जाएगा मेरा भी। खंजर, तुम एक पेशेवर किलर हो, ये सब बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती है। क्यों भाई, कातिल के सीने में दिल नहीं होता है क्या? बहुत खूबसूरत है, कौन? ये शिवानी। गलत, ये वो नहीं है जिसकी तस्वीर तुमने मुझे दिखाई थी। ये वही है, प्लास्टिक सर्जरी कराकर इसने अपना चेहरा बदल लिया। आए फोटो शिवानी की। ये बॉस, ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है, इसने किया है। पेशेवर कातिलों के लिए तो बहुत अच्छा है, 25-50 को लुढ़का दो, प्लास्टिक सर्जरी कर लो और चेहरा बदल लो। इसे बहुत जल्दी लुढ़काना बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा खतरा भाव साहब को इसी से। ठीक है, भाव साहब को कहना कि मैं इसे अपने हाथों मारूंगा। खंजर एक बात याद रखना कि इस काम में कोई भूल चूक की गुंजाइश नहीं है, समझे? तुम भी एक बात याद रखना, खूबसूरत औरत को पाने या मारने में खंजर कभी भूल नहीं करेगा। पता नहीं किस दिन का इंतजार कर रही हूं मैं, लेकिन इंतजार कर रही हूं और कब से कर रही हूं। इस घर के अंदर जो भी दौलत और मोहब्बत है उस पर सिर्फ मेरा हक है। लिया। क्या बात है, आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं, लेकिन किसी और का गुस्सा मुझ पर मत उतारिएगा। किसी और का गुस्सा नहीं, आज मैं तुम पर गुस्सा हूँ। लेकिन मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है। तुमने ऐसी गलती की है जिसके लिए तुम्हें माफ भी नहीं किया। गलती जाने बिना मैं माफी नहीं मांगूंगी। कल सुनीता और राहुल अपने घर से मेरे लिए खाना बनाकर लाए थे,
और तुमने कह दिया उन्हें कि मैं घर पर नहीं हूं जबकि मैं घर पर था। ये गलती कहां है, ये तो झूठ है। झूठ गलती नहीं होती। आज के जमाने में अपने फायदे के लिए कौन झूठ नहीं बोलता? आप झूठ नहीं बोलते? जिनसे मैंने आपके लिए झूठ बोला था क्या वो लोग झूठ नहीं बोलते? बताइए कौन झूठ नहीं बोलते? राहुल और सुनीता से झूठ बोलने में तुम्हारा क्या फायदा था? ये तो आपके समझने की बात है। समझने की बात? हाँ, राहुल और सुनीता के जाने के बाद घर में सिर्फ आप और मैं ही थे। क्या इसमें आपको मेरा फायदा नजर नहीं आ रहा? नहीं, नहीं नजर आ रहा। आंखें होते हुए भी क्या आप अंधे ही बनकर रहना चाहते हैं? शिल्या, तुमने जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। साफ साफ सुन लीजिए, आपके जीवन में शीतल जो भी कुछ थी वो तो चली गई है। क्या मैं शीतल की जगह? शीतल की जगह तुम तो क्या, कोई भी नहीं ले सकता। और अगर ऐसे विचार तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं तो कुचल डालो उन्हें, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। समझ गई? क्या बात है, क्यों तुम इतनी खामोश हो? चेहरा भी मुरझाया हुआ तुम्हारा। कोई खास बात नहीं है ममता। देखो बात तो कुछ जरूर है। हाँ, अब तुम बताना ना चाहो तो बात अलग है। बताना क्यों नहीं चाहूंगी? बताने लायक बात होती तो जरूर बताती। मतलब तुम्हें परेशान करने वाली कोई बात ऐसी भी हो सकती है जो मुझे बताने लायक ना हो? रोहन, इस तरह की बातें मत किया करो। क्यों ना करूं मैं इस किस्म की बातें? हाँ, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता है या नहीं? रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है, और इसी बात की तकलीफ हो रही है मुझे। ममता प्लीज मुझे बताती क्यों नहीं हो, तुम्हें क्या परेशानी? ज्योतिष पे विश्वास करते हो? नहीं भी करता तो तुम्हारी बात तो सुनूंगा मैं। तुम अपनी बात तो बताओ। रोहन, मैं एक डॉक्टर हूं, साइंस मेरा सब्जेक्ट रहा है। इन बातों पर यकीन तो नहीं करना चाहिए मुझे, पर जब से मैंने ये बात सुनी है मेरा दिल डूबा जा रहा है। अरे क्या बात सुनी है तुमने ममता, बात तो बताओ मुझे। मैंने कल अपना हाथ एक ज्योतिष को दिखाया था। ओहो। उसने कहा कि क्या कहा ज्योतिष ने? उसने कहा रोहन कि मेरी उम्र अब सालों में नहीं कुछ महीनों के लिए बाकी है। क्या कह रही हो तुम? क्या कह रही हो तुम ये बात? ऐसा नहीं हो सकता ममता। मैं ये नहीं जानती ऐसा होगा या नहीं, पर उसने कहा तो जरूर। नहीं ममता, मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा। ममता, मैं और कुछ कर सकूं ना कर सकूं, तुम्हारी जगह अपनी जान तो दे सकता हूं। प्लीज रोहन, ममता मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। सुझा पर लीजिए। अरे कहीं ये लव लेटर तो नहीं? ममता, इससे बड़ा लव लेटर मुझे आज तक नहीं मिला। जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो सच है तो ये कागज का टुकड़ा मुझे दूसरी जिंदगी देने वाला लेटर साबित होगा। चलो जल्दी करो, चलते हैं यहाँ से। कम मैडम, ये आपके लिए। बहुत बहुत मुबारक हो बेटी, भगवान करे तुम सदा फूल की तरह खिली रहो। तुम्हारी माँ।
माँ हूँ ना, इसलिए सोचा क्यों ना इस जन्मदिन पर अपने आप को भी तुम्हें तोहफे में दे दूँ। उठाइए ना, इतना अच्छा तोहफा भेजकर आप कहाँ चली गई हैं? हेलो। हेलो, हाँ बड़ी माँ, मैं बोल रही हूँ। बड़ी माँ, आपका तोहफा और आपका कार्ड दोनों चीजें मुझे मिले। लेकिन मैं तो इसका जन्मदिन भूल ही गई हूँ, मैंने तो कोई कार्ड और गिफ्ट नहीं भेजा है। ये तोहफा मुझे इतना पसंद आया कि मैं खुशी से फूली नहीं समा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी ममता मेरे शरीर के अंदर जाकर मेरे खून की हर बूंद के साथ मिल गई हो। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा, खुश रहो। ये अचानक उसकी दूसरी माँ कहाँ से पैदा हो गई जिसने उसे इतना ममता भरा तोहफा भेज दिया? औलाद क्यों छोड़ती है बेटी, औलाद क्यों छोड़ती है माँ को, क्यों? पद्मिनी, पद्मिनी, आप ये सवाल मुझसे कर रही हैं या अपने आप से? वंदना, तुम्हारे पास जवाब है तो बताओ। राजकुमारी साहिबा, ममता एक ऐसा जज्बा है जिसके बगैर औरत अधूरी रह जाती है, लेकिन माँ बनने के बाद भी औलाद से दूर रहना ये तो नसीब की बात है। हम अपने नसीब को बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि जिस नसीब के बदौलत एक मामूली औरत से एक राजकुमारी बन गया, उस नसीब को तो कोई भी बुरा नहीं कहेगा ना। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जिस तरह एक खूबसूरत फूल के साथ एक छोटा सा कांटा भी होता है, उसी तरह आपकी और आपकी बेटी की दूरी शायद आपके खूबसूरत नसीब का एक छोटा सा कांटा हो। तुम्हारी इस बात से थोड़ी तसल्ली मिली है हमें, लेकिन मन बेचैन है जानने को कि पता नहीं उसे वो तोहफा ग्रीटिंग कार्ड मिला है या नहीं। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कि उसे वो तोहफा नहीं मिला होगा? अगर हम इस बात का यकीन नहीं कर लें कि उसे वो ग्रीटिंग कार्ड और जन्मदिन का तोहफा मिल गया है, तो भी हम ये नहीं जानते कि उसने कैसा महसूस किया होगा, कैसा लगा होगा उसे। इतने साल हो गए हैं और आज उसके जन्मदिन पर ना हम उसे छू सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना ही उसे देख सकते हैं। राजकुमारी साहिबा, सूरत देखना तो मुश्किल होगा, लेकिन बातचीत तो हो ही सकती है। बातचीत कैसे कर सकते हैं हम? टेलीफोन से राजकुमारी साहिबा। लेकिन हम तो अंबिका हैं, लेकिन एक अजनबी बनकर तो बात की जा सकती है। मैं नंबर लगाती हूँ, बात करते वक्त जैसा लगेगा आप वैसा कीजिएगा।
हेलो हेलो मिस पद्मिनी बोल रही हैं? जी हाँ, आप कौन? लीजिए बात कीजिए। हेलो पद्मिनी बोल रही हूँ। जी मैं पद्मिनी बोल रही हूँ, आप कौन? हमारा भेजा हुआ तोहफा और ग्रीटिंग कार्ड तुम्हें मिला। बोलो बोलो बेटा, मिला या नहीं? ये तो सच है कि आज मेरा जन्मदिन है, और ये भी सच है कि एक तोहफा और कार्ड मुझे मिला है, मगर आप कौन बोल रही हैं? बोलिए आप कौन हैं? तुम्हारी माँ बोल रहे हैं, तुम्हारी असली माँ। हेलो हेलो हेलो।